गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और होप करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ मैं अपने डॉग्स के साथ में और नए ब्लॉग के साथ में। आज हम डिस्कस करेंगे डॉग्स के अंदर किडनीज में, ब्लैडर में स्टोन्स हो जाते हैं, उसके बारे में, उसे कैसे ठीक करें होम्योपैथिक मेडिसिन से, और डिस्कस करेंगे अपने डॉग्स के बारे में, ये क्या कर रहे हैं और इनका आज क्या डेली रूटीन है। आज मौसम बहुत ठंडा है और चारों तरफ धुंध है, तो हमने थोड़ा लेट निकाला है डॉग्स को, लेकिन फिर भी ठंड बहुत ज़्यादा है। आइए शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग। सर्दी होने की वजह से डॉग्स ज़्यादातर रूम के अंदर रहते हैं, जो इनके क्लोज कैनल्स हैं उसके अंदर रहते हैं, और इसके अंदर देखिए छोटी जगह रहती है, ज़्यादा घूमने की जगह नहीं होती, तो इनके पाँव जो होते हैं ना, उनको एक्सरसाइज नहीं मिल पाती, ये भी एनर्जाइज नहीं हो पाते, तो इसलिए इनको खोलना ज़रूरी होता है। तो हम सुबह क्या करते हैं, सुबह इनको खोल देते हैं, अगर सर्दी के बावजूद भी हम कुछ देर तक इनको दौड़ाते भगाते हैं, ताकि इनके अंदर से एक नेगेटिव फीलिंग होती है वो ना रहे, क्योंकि डॉग अगर इस तरह के क्लोज कंपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम तक रहते हैं तो अक्सर उनका टेम्परामेंट ख़राब हो जाता है, उनके अंदर भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो देख रहे हैं आप तीनों फीमेल हमारी क्या मस्ती कर रही हैं, तो ये तीनों यंग फीमेल्स हैं, ये हमने इनको एक केज में खोला छोड़ा हुआ है, क्योंकि मस्ती बहुत करती हैं ये, दौड़ना भागना एक दूसरे को पकड़ना काटना खूब करती हैं, और ये आपस में बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर लेती हैं। बनस्पत इसके अलावा जो हमारे पास में दो एडल्ट डॉग्स हैं, लियो और डेजी, ये दोनों थोड़ा सा एडल्ट हैं, मतलब ये थोड़ा सा मैं आप कह सकते हैं कि अपने ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं, तो इनका जो एनर्जी लेवल है ये इतना ज़्यादा नहीं होता, तो इनको अगर बहुत ज़्यादा हम खोलें नहीं भी तो इनको चल जाता है, लेकिन यंग डॉग्स को अभी खोलना पड़ता है टेम्परामेंट मेंटेन करने के लिए। और रही बात डॉग को बंद रखने के लिए, तो देखिए एक टाइम के बाद में डॉग भी परेशान हो जाता है और वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, कैनल के अंदर ही वो कुछ ना कुछ काटना पीटना शुरू कर देता है, तो उससे बचने के लिए भी ना आपको डॉग को बीच बीच में खोल देना चाहिए, थोड़ा टाइम उसके साथ देना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा लेट इनको स्टार्ट किया है, तो अभी मैंने इनको बाहर निकाला है, और बाहर निकालने के बाद में मैं उनके साथ में थोड़ा सा खेलूँगा, इनको तो इनके हाथ पांव खुल जाएंगे तो इनको भी अच्छा लगेगा दोबारा से बंद करने के लिए, क्योंकि दिन में ना बड़ी ठंडी हवा चल रही है, और हवा जो होती है ना ये सर्दी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देती है, तो इसीलिए थोड़ी देर हम इनको खुला रखेंगे और फिर बंद कर देंगे। आज जो है हम हेल्थ टॉपिक लेके आए हैं वो है डॉग्स के ब्लैडर के अंदर पथरी होना। देखिए पथरी कई तरीके से पहचानी जा सकती है, पेशाब के अंदर होने वाली अलग अलग तरह की दिक्कतें मैं आपसे पता चल सकता है, और सबसे अच्छा तरीका होता है एक्सरे। एक्सरे करवा जाए करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पथरी है और कितनी बड़ी है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, इनिशियल स्टेज में जब बिल्कुल न्यू न्यू सिम्टम्स आ रहे हों, आपकी पहली स्टेज हो और पेन एकदम उठे, तो एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ में आप कैमोमिला दे सकते हैं, तो एकोनाइट और कैमोमिला ये इनिशियल स्टेज में बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर ऐसा हो कि यूरिन के अंदर वाइट सॉल्ट जैसा या येलो सैंडी मटेरियल जैसा अगर आप निकल रहा है डॉग के में से, तो उसमें आप हाइड्रेंजिया दे सकते हैं, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। किडनी से होने वाले रिलेटेड इश्यूज के अंदर आपको पता है बेरबेरिस बहुत अच्छा काम करती है, येलो रंग का यूरिन आ रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, ऐसे केसेस में आपको बेरबेरिस देनी चाहिए। अगर यूरिन के अंदर ब्राउन कलर या रेड कलर आने लगे और उसके अंदर ऐसा लगे कि जैसे कि चूने का पानी है, तो कैल्केरिया का बहुत अच्छा काम करती है। कैल्केरिया रेनालिस एक ऐसी मेडिसिन है जो पथरी को बनने से रोकती है और उन्हें एक्सपेल आउट करने में हेल्प करती है, ये ज़रूर देनी चाहिए। अगर यूरिन करने के बाद में बहुत ज़्यादा दर्द हो, कटिंग पेन हो, ऐसे केस में सरसपेरेला सबसे अच्छी मेडिसिन है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जहाँ पे जलन की बात हो, ऐसे केस में आप बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है, तो आपको कैंथरिस देनी चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में मैं अक्सर आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ करता हूँ, और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। नेरी सिरप यूरिन में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस में बहुत सारे केसेस में काम करती है, इवन जहाँ पे पथरी है उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। एक और मेडिसिन रिकवेक कंपनी की मेडिसिन, ये मुझे बहुत ही फ़ायदा देती है, ये R27 के नाम से आती है, ये मेडिसिन ज़रूर देनी चाहिए। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।
हमारे इस चैनल के अंदर डॉग से रिलेटेड तकरीबन 500 वीडियोस है, जिसके अंदर कुछ वीडियोस उनकी ब्रीड के ऊपर है, बाकी वीडियोस उनकी हेल्थ के ऊपर है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, कौन सी पद्धति यूज़ करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में समझाई है। कम जॉइन अस, डू सब्सक्राइब अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।